नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृदुल कृष्णा। अगर हम फाइनली अगर बात करते हैं रियलमी यू वन को, जो एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला था, तो काफ़ी इंतजार के बाद आज ये रियलमी यू वन फाइनली आज लॉन्च हो गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल स्पेसिफिकेशन की मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, जो मैंने इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के वहाँ से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बट जब मैंने इस वीडियो को बनाया था तो वहाँ पर इसकी फुल स्पेसिफिकेशन तो मैंने बता दी थी, बट जो इसकी प्राइस जो थी वो एक्सपेक्टेड प्राइस में मैंने बताई थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी प्राइस बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करते हैं 3 32 और 4 64 के जो दो वेरिएंट बताए गए हैं, तो 3 32 वाला वेरिएंट है वो आपको 11,999 रुपए के, और जो 4 64 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 14,499 रुपए में आपको मिलेगा, कि मतलब 14,500 रुपए का आपको ये फोन पड़ेगा। तो अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं तो 5 दिसंबर को इसकी सेल आने वाली है, दिन में 12 बजे इसकी सेल आएगी। जो आप अमेजोन एक्सक्लूसिव या जियो के माध्यम से, या फिर आप इसे SBI डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो मेन मकसद था वो मैंने आपको बता दिया, कि जो MI का जो Realme U1 है, और अगर हम MI की बात करते हैं तो MI का भी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन लॉन्च किया गया था, Redmi Note 6 Pro। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस प्राइस में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है Realme U1 को, तो वो कहीं ना कहीं इसको जो Redmi Note 6 Pro जो अभी फ़ोन लॉन्च किया गया है उसकी कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कम कर सकती है। क्योंकि MI को लगता था कि जो Redmi Note 5 Pro जिस तरह के लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसी तरीके Redmi Note 6 Pro पसंद करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे टक्कर को लें तो Realme जो अपना नया फ़ोन अच्छे फ़ोन लॉन्च कर रही है वो बिल्कुल टक्कर दे रही है Redmi को। तो कहीं ना कहीं जिस अगर हम Realme U1 की बात करें, तो इतना अच्छा फ़ोन और कम बजट में कम रुपयों में लॉन्च करने के बाद कहीं ना कहीं ये Redmi Note 6 Pro जो फ़ोन अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ है उसकी सेलिंग को बहुत ही ज़्यादा गिरा सकती है। तो अभी ये आगे देखने की बात है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो मैंने Redmi Note 6 जो फ़ोन है उससे क्या बराबरी कर पाती है कि नहीं बराबरी करती है, तो बात ही बात है। और हाँ, एक चीज और कि जो Realme U1 का जो मैंने बताया था स्पेसिफिकेशन, तो उसमें ये चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं उसकी जो बैटरी है, तो मैंने उस वीडियो में इसको 4000 mAh की बताती थी, बट उसमें ये इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, इसलिए मैंने उसकी 4000 mAh बैटरी बताई थी। बट इसकी मैं अभी जो बैटरी आज निकली वो 3500 mAh की बैटरी निकली है। तो इसमें आपको कल बैटरी का मैंने गलत बता दी थी, वो मैंने इस वीडियो में आपको साफ कर दी, क्योंकि जिसमें इसकी लीक्स निकली थी उसी समय मैंने इस वीडियो को बना दिया था। बाकी जो मैंने लीक्स बताई थी वो सारी 100% सही थी, और 4 वेरिएंट जो था उसकी भी प्राइस जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई थी वो भी 100% सही बताई थी। बट आज मैंने इसकी प्राइस बता दी, और जो उसमें लीक्स जो हुई थी उसमें आप बैटरी इसमें थोड़ी सी कम आ रही है 500 mAh की, तो इसमें 3500 mAh की टोटल बैटरी आपको दी जा रही है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो इसमें फ्रंट में आपको 25 MP का कैमरा, बैक साइड आपको 13+2 MP का आपको कैमरा दिया जा रहा है, वो अब इसमें भी दिया जा रहा है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर इसकी फुल स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय। Took me